हरिओम साहू जी, अगला सवाल आपसे है। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के क्षेत्र में आपने बहुत काम किए और आपका जो काम सबसे ज्यादा हाईलाइट हुआ वो था सामूहिक विवाह कराना, और ये बहुत पुण्य का काम है। अब तक कितना काम आपने समाज सेवा के क्षेत्र में किया है, क्या क्या वो काम है, और कितनी मदद आपको इसमें आमजन की मिली है? राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपको कितना सहयोग मिला है अब तक? सर माइक प्लीज। सबसे पहले एपी गंगा महापंचायत को हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने यह आयोजन रखा। इस आयोजन के माध्यम से बहुत सारे लोग इसे देखकर लाभान्वित होते हैं। बहुत सारी अभी डिबेट हुई, डिबेट को भी हमने सुना। कुछ लोगों ने सही कहा, कुछ लोगों ने झूठ का पुलिंदा बांधा। अब हम सामाजिक जीवन में आने की बात करते हैं। हम लोग बचपन से छात्र राजनीति में रहे, इंटर कॉलेज में रहे तो भी महामंत्री रहे, डिग्री कॉलेज में आए, अध्यक्ष हुए, तो समाज सेवा के क्षेत्र में बचपन से ही रुझान रहा। बचपन में जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे तो हमसे जब एडमिशन के लिए गए तो हमारे अध्यापक ने पूछा कि तुम कॉमर्स लोगे कि साइंस लोगे कि आर्ट लोगे। क्योंकि हमारे यहाँ कक्षा 6 से ही केसरवानी इंटर कॉलेज में कॉमर्स चला करता था, तो 6 का भी हमारे माता पिताजी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो ज़्यादा जानकारी के अभाव में स्वतः हम खुद एडमिशन कराने गए थे। तो हमने कहा सर ये कॉमर्स क्या होता है, तो हमारे टीचर ने बताया कि कॉमर्स पढ़ने से आप कोई बड़े उद्योगपति बनेंगे तो बहुत सारे लोगों को नौकरी देंगे, और आर्ट पढ़ेंगे तो आप कोई अधिकारी बन सकते हैं, साइंस पढ़ेंगे तो डॉक्टर बन जाएंगे, साइंस में दूसरी साइड पढ़ेंगे तो इंजीनियर बन सकते हैं। तो हमने कहा हम बहुत सारे लोगों को नौकरी देंगे, हम कॉमर्स पढ़ेंगे। तो हमने कॉमर्स च्वाइस किया और कक्षा 6 में कॉमर्स के विद्यार्थी के रूप में प्रवेश किया। तो बचपन से दूसरों को लाभ देने की योजना दिमाग में थी और इसलिए राजनीति और सेवा के क्षेत्र में आए। कालांतर में हम अपने कार्य से, व्यवसाय से जो अर्निंग करते हैं परिवार के खर्च के बाद, उसका 70% समाज सेवा के रूप में खर्च करते हैं। आपने कॉमर्स लिया ताकि समाज के लोगों को नौकरी दे सकें जी। अब तक हरिओम साहू जी ने कितने लोगों को नौकरियां दी? हम बड़े उद्योगपति नहीं बन पाए, उसका कारण शायद ये रहा कि राजनीति में रुझान हो जाए। राजनीति में रुझान होने से अवसर नहीं मिला कि हम बड़े उद्योगपति बन पाए, छोटे उद्योगपति रह पाए, जिससे बहुत लोगों को तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ लोगों को हमने सेवा देने का कार्य किया, लेकिन समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत कार्य किया। समाज सेवा और राजनीति एक ही है या अलग अलग मानते हैं? देखिए, देखा जाए तो पहले लोग राजनीति करने, समाज सेवा के क्षेत्र से ही राजनीति में जाते थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि वर्तमान परिस्थितियां कुछ दूसरी हुई कि अब अपराधी और बड़े पूंजीपति लोग जाने लगे, लेकिन जो समझदार लोग हैं वो जानते हैं कि समाज सेवा करने वाला व्यक्ति अगर राजनीति में आगे जाएगा तो समाज और के बारे में सोचेगा, जनता के प्रति सोचेगा और जनता का कल्याण करेगा, जन कल्याण करेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।